प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर जोर देते हुए हमने मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी, ताकि 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण किया जा सके जो सामान्य टीकाकरण अभियान में छूट जाते हैं। सरकार ने तय किया कि ऐसे बच्चों का पूर्ण रूप से टीकाकरण करके उन्हें 12 तरह की बीमारियों से बचाया जाए। मिशन इंद्रधनुष के तहत अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों और लगभग 70 लाख गर्भवती माताओं को टीका लगाया जा चुका है। ये सरकार के प्रयास का ही असर है कि देश में टीकाकरण की जो रफ्तार सालाना 1% की दर से बढ़ रही थी। देखिए, सरकार बदलती होती है तो क्या होता है, काम करने वाली सरकार होती है तो क्या होता है। ये बच्चों की जिंदगी इतनी मूल्यवान है, सरकारी मशीनरी है, टीकाकरण का अभियान है, लेकिन टीकाकरण की वृद्धि सिर्फ 1% हर साल होती थी। हमने पिछले 3 साल से अभियान चलाया और आज ये करीब करीब 6.5% पहुंच गया। कहां 1% वृद्धि और कहां 6.5% वृद्धि। वही मशीनरी अगर लक्ष्य तय करके जोर लगा दे तो परिणाम मिलते हैं और ये परिणाम नजर आ रहा है। अभी इसी महीना सरकार ने इस मिशन को और केंद्रित कर दिया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई है, जिसके तहत उन जिलों, शहरों, कस्बों पर फोकस किया जा रहा जहां टीकाकरण की कवरेज पीछे रह गए हैं, कम है। अगले 1 साल तक देश के 173 जिलों में हर महीने में 7 दिन लगातार टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 10 दिसंबर 2018 तक देश में फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को प्राप्त कर लिया जाए।